इन तक नीम के नीचे रख करके हिलाना, हिलाने के बाद ये दिव्यामृत बन जाता है। और इस दिव्यामृत की 2 बाल्टी 4 बाल्टी अगर हम उस खेत में छिड़क देंगे तो वो मात्र है 10 से 15 दिन में पराली खाद में बदल जाएगी। जैसे दीमक जो ना कपड़े को खा जाती है, ऐसे ही वो उसको खत्म बना देता है। यानी कि भाई जो पराली किसान के लिए आफत बन रही है, जो फसल का अवशेष किसान के लिए बहुत बड़ी आफत बन रहा है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। और 3 कृषि कानूनों में भी इस चीज को प्रावधान बनाया गया था कि किसान जो वो पराली का एग नहीं लाओगे। खेती बाड़ी करते थे, खेत का खेत में ही डाल दिया करते थे अधिकतर। जितने उद्योग धंधे हैं या ये अपने फैक्ट्रियों वाले हैं, सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं और दिवाली को बदनाम करने के लिए ये भी सभा कर देते हैं। अमित गणगस है जिसका कमेंट आया है, राम राम भी कर रहा है और न्यू कहे अंग्रेज ना कर, अंग्रेजी दवाइयां चलाकर देश का नाश कर दिया। खेत का खेत में ही डाल दिया करते थे अधिकतर। आजकल वाले खेत के को जला देते हैं या हम बाहर बेच देते हैं, इससे जो न्यूट्रिएंट का एक चक्कर है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल बहुत बड़ी खोज कहवांगे या बहुत बड़ी उपलब्धि कहवांगे, नरवाना का KM कॉलेज में मौजूद हाँ, जिसमें कि प्रोफेसर है एक जिनने एक नई खोज करी है खास तौर पर किसानों के लिए। तो फिलहाल तो हम देख सको हो KM कॉलेज में मौजूद हाँ, और आड़े की जो केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें प्रोफेसर हैं जिनका मार्दोरे न्योंदा आया। उनका यूँ दावा है कि किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी रिसर्च करी है उनने। तो फिलहाल जो है KM कॉलेज नरवाना में हम पहुँचे हाँ। और प्रोफेसर साहब पूछेंगे उन्हें क्या खोज करी है। तो फिलहाल जो है प्रोफेसर जयपाल जिन्होंने एक रिसर्च करी है और उस रिसर्च में क्या लेकर आया है उन तक मिलेंगे, पूछेंगे विकास रो यू पा गया। विकास ध्यान से देखो बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, यू है विकास। तू कितना भाई इतने दिन तक था जी। प्रोफेसर साहब राम राम जी। राम राम नमस्ते। तो और सीट पर बैठ जाए। यूके बम से बना हुआ आप? ये कुछ केमिकल बनाने पड़ते हैं। अच्छा जी। बच्चों को समझाने के लिए ये क्रोम एलम है, डबल साल्ट है। अच्छा जी। जो बहुत सारे अन्य प्रयोगों में काम आता है, तो इसलिए ये करवाया था कल। आज इसके प्रेसिपिटेट बन गया, बच्चों को हम दिखा देंगे। अच्छा अच्छा। ये परखनली है, ये वो मेजरिंग सिलेंडर है। अच्छा, ये बिकर है, ये हमारे केमिकल वगैरह। ये बिकर है भाई, हम छोटे छोटे जीव 8वीं क्लास में आकर जी पढ़िया करते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, सूत्रों वाला तो जो जानकारी मिली हमने और आपका जो न्योंदा आया था उसमें यह चीज़ लिखकर आई कि आपने कोई रिसर्च करी है और वो रिसर्च किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसी के रिसर्च करी आपने? वो रिसर्च है जो पराली है या फसल अवशेष है या कूड़ा है, करकट है या रसोई का है, उसको हम सीधा प्राकृतिक खाद में कैसे बदल सकते हैं, उसकी एक कई जगह हमने अपने खेत में, क्यार में, गांव में, गोहन में कार्य किया है और कर रहे हैं। उसका सीधा सीधा ये, जैसे आप पराली ले रहे हैं, पराली को आजकल मल्चिंग वाली आ रही है वो उसको बिछा भी देती हैं। बिछा करके अगर आपने पास हैरो है तो हैरो मार के उसके ऊपर एक गिरडी आ करती, गिरडी मार दो और मार के उस पर पतला पतला पानी दो। आप पानी दे करके एक डिकम्पोजर आता है जो 20 रुपए का सरकार दे रही है, और साथ में अगर नहीं हो तो आप घर पर बना सका है के लिए 1 ड्राम में 150 लीटर पानी डाल लें और 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर जो है ना, 10 किलोग्राम गाय का गोबर डालें। गाय के गोबर के अंदर 10 ग्राम में 84 लाख बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज वगैरह को खा जाते हैं। 10 किलो में 84 लाख? 10 ग्राम में, मात्र 10 ग्राम में, 10 ग्राम में 84 लाख बैक्टीरिया होते हैं जो के सेलुलोज वगैरह है जो पराल वगैरह उसको खत्म कर देते हैं। अच्छा। तो साथ में इसमें 2 किलो गुड़ डाल देंगे, 2 किलो बेसन और 2 किलो बड़ के नीचे एक माटी, इसको 7 दिन तक नीम के नीचे रख करके हिलाना, हिलाने के बाद ये दिव्यामृत बन जाता है। और इस दिव्यामृत की 2 बाल्टी 4 बाल्टी अगर हम उस खेत में छिड़क देंगे तो वो मात्र है 10 से 15 दिन में पराली खाद में बदल जाएगी। जैसे दीमक जो ना कपड़े को खा जाती है, ऐसे ही वो उसको खत्म बना देता है। यानी कि भाई जो पराली किसान के लिए आफत बन रही है, जो फसल का अवशेष किसान के लिए बहुत बड़ी आफत बन रहा है, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है, और 3 कृषि कानूनों में भी इस चीज को प्रावधान बनाया गया था कि किसान जो वो पराली का एग नहीं लाओगा, लेकिन किसान ने फसल अवशेष का महत्व का जब एरा पड़ जाए तो क्या ना एग लाओगा वो, क्यों जी? दूसरा जो भी
हम जलाते हैं, जलाने से मान लीजिए ये शोध में पाया गया है कि अपने एक क्यार में लगभग 2.5 टन पराली होती है, और 1 टन पराली ने जब आप जलाते हैं तो उसमें लगभग 3 किलो उसमें ये छोटे पार्टिकल बोलते हैं, 10 ppm है या 2.5 ppm वाले, जो कि 600 तक पहुंच जाते हैं और जो कैंसर तक का कारण बनते हैं वो होते हैं। हाँ, और इसमें लगभग 513 किलो शुद्ध जो है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और लगभग 92 किलो शुद्ध जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 से 5 किलो नाइट्रिक ऑक्साइड, 3 से 7 सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके अतिरिक्त हमने जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाले हैं वो भी ऑक्सीकृत होकर के हवा में फैल जाते हैं, और जब ये प्रकाश के साथ है और ये नमी के साथ मिलते हैं तो एक स्मोक बन जाता है, और उस स्मोक के अंदर लाइट कम आएगी और वो ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे की जो प्रक्रिया वो रुक जाएगी, ऑक्सीजन भी कम होगा उत्पन्न होगी, साथ ही साथ जो समस्या है उसने फेफड़ों के अंदर अस्थमा है या क्रोनिकल जो फेफड़ों का डिजीज है, सांस लेने में दिक्कत आएगी या अपने खांसी जुकाम नजला निमोनिया ये बीमारी बढ़ जाती है। बिल्कुल न्यूकास का प्रोफेसर साहब कि वो जो पराली अगर जलाई जावे है तो किसान के लिए तो नुकसान है, आम आदमी के लिए भी नुकसान है और किसान का जो फसल चक्र है वो भी प्रभावित हो। उससे जो मित्र कीट हैं अपने जमीन को फोली करते हैं, खोदते हैं, या जो जितने भी ये फसल अवशेष हैं उनको काट करके खा करके गड़ा करके मिट्टी मिलाते हैं, अच्छा, वो भी मर जाते हैं। और इसमें यहाँ यह भी शोध में पाया गया है कि 1.5 इंच तक जमीन हमारी कड़ी हो जाती है, जिसके अंदर जो मित्र कीट हैं उनके रहने का आवास खत्म हो जाता है, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, जब मैं बात करूँ तो पुराने टाइम की जो परंपरागत खेती हुआ कर दी और आज की बात करा, पैदावार के चक्कर में DAP यूरिया पेस्टिसाइड पता नहीं क्या डाल के स्प्रे वह करे जावे हैं, तो कोई यज थेरेपी का भी इस्तेमाल होया करता फसलों के अंदर? धर्मो भाई, पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे बड़े वैज्ञानिक थे, उनका हर कार्य वैज्ञानिक था, धर्म वैज्ञानिक विज्ञान और धर्म साथ साथ लेकर के चला करते, तो उसमें उन्होंने पहला उद्देश्य था हम जो काम करें समाज का हित होना चाहिए, जो यज हवन करते हैं इसके अंदर से जो वायु या वाष्प निकलते हैं वो वाष्प वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की प्रक्रिया है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी बढ़ जाती है, साथ में जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वायुमंडल में फैले हुए जो विषाणु हैं जीवाणु हैं या खतरनाक रसायन हैं उनको मार देते हैं या खत्म कर देते हैं या उनको निष्क्रिय कर देते हैं, यह शोध में पाया गया है। दूसरा, उसमें से निकलने वाली जो सुनहरी किरणें हैं वो भी वायुमंडल को शुद्ध करती हैं, जैसे स्नाइपर शॉट से आतंकवादी को मारते हैं ना, तो इसी तरह से वो रेडिएशन सुनहरी किरणें हमारे शरीर के आसपास या जहाँ पर भी उनको खत्म कर देती है। अच्छा, एक बार जो हवन कराया जावे है उसका कितने दिन तक असर होगा? उसका प्रभाव रहता है लगभग 7 दिन तक है, और जो अधिक प्रभाव है वो 2 से 3 दिन तक आराम से देखा जाता है। एक बात और बताओ प्रोफेसर साहब, जो मान लो फसल के लिए यदि हवन करना हो किसान ने अपनी फसल के लिए, तो उसमें कोई सामग्री भी अलग डाल के डालनी पड़े? उसमें सामग्री जैसे वाष्पीकृत हो, जिसमें गेंदा भी है या अपने तुलसी है या अगर है तगर है दालचीनी है या नागर मोथा है या अपना चंदन वगैरह है, सुगंधित पदार्थ डालने हैं ताकि वो ज़्यादा वोलाटाइल होकर के वाष्पीकृत होकर के अधिक उसमें वातावरण फैल जाएं। उससे क्या होगा कि जो पेड़ पौधे जैसे हमने शुद्ध भोजन मिले तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, डाइजेशन बढ़ जाता है, तो इसी प्रकार उनका भी जो पाचन है या एसिमिलेशन की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, और गुणवत्ता में भी भोजन जो उससे अनाज होगा या चारा होगा उसकी गुणवत्ता में कई गुना शुद्ध पाएगा। साहब, एक अमित है, अमित गण घसाया जिसका कमेंट आया है, राम राम भी करा है और न्यू कहा है भाई अंग्रेजों ने आकर अंग्रेजी दवाइयाँ चलाकर देश का नाश कर दिया, यानी कि कई सारी चीज़ें की अगर बात करना जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं आपकी बात में सहमति व्यक्त करी है अमित गण घस ने। और प्रोफेसर साहब, जैसे पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो आप उसके ऊपर भी कुछ आंकड़े बता रहे थे भाई कितने जंगल होने चाहिए, कितना है पिपल का पेड़ या और कौन से, इस बारे में भी कोई रिसर्च कर रखी आपने? ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है या विश्व पर्यावरण जो संगठन है उन्होंने माना कि पूरे जो क्षेत्र है उसके अंदर लगभग 1/3 भूभाग के ऊपर पौधा मतलब वृक्ष होने चाहिए, सघन होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में लगभग 22% के आसपास हैं, हरियाणा में लगभग 3.74% हैं, और जो जींद वाला एरिया है इसमें तो 1% से कम यानी कि 0.78% भूभाग पर ही वन है। दर्शकन थोड़ा सा जानकारी भी दे दें भाई, जींद जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों में से एक है, और उसका जो कारण है वो प्रोफेसर साहब ने बताया कि 33% कम से कम भी यानी कि पूरी धरती का तीसरा हिस्सा के ऊपर जंगल होने चाहिए, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वो प्रतिशत बहुत कम है, 22
हरियाणा में तो मात्र 4% से भी कम है, 4 से भी कम, 4 से भी कम। तो फिर बताओ क्यों करूँ, तो कहूँ आप हरिया भरा हरियाणा और रिसर्च में और शोध में जो पाया गया है वही बताओ, घनी जरूरत है ना। तो फिर केवल एक जिला है जिसमें लगभग 41% हरा एरिया है, वह पंचकुला, बाकी गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इनके या नो है मेवात, इनमें 10% के आसपास है, बाकी सभी में यमुनानगर में 10% है, बाकी सभी में 10% से नीचे है। चलो प्रोफेसर साहब, जो आपके द्वारा नए नए बाढ़ गाँव हैं, जो छात्र हैं जो आपके द्वारा इन चीज़ों की जानकारी भी ले हुए हैं, क्या लगा आपने एक पढ़ा लिखा जो किसान, जो युवा किसानी में जो प्रवेश करेगा और जो परंपरागत फिलहाल जो यूरिया DAP और इन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, आपकी जो ये रिसर्च है या फिर जो इस ढाल की जो एजुकेशन है ऑर्गेनिक खेती की अगर बात करें तो इसमें बढ़ पाओगा आगे? मेरे भाई, जो हमारे बुजुर्ग पहले खेती बाड़ी करते थे, खेत का खेत में ही डाल दिया करते थे अधिकतर, आजकल वाले खेत के को जला देते हैं या हम बाहर बेच देते हैं, इससे जो न्यूट्रिएंट का एक चक्कर है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। रही बात इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की, तो पहले अपने खेत के आसपास जैसे ये नीम हुआ करते या और कभी कड़वी चीज बकान है, इनके पत्ते गिरा करते, इनके पत्ते जो है दवाई का काम करा करते, खेतों में बैल पशु चरिया करते तो उनसे भी वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बना करती, जो गोमूत्र है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसेक्टिसाइड है। बहुत बड़ी 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 चीज लेकर कान लग रही है भाई। और इस संदर्भ में और भी जो रिसर्चर रही, वैसे तो और भी प्रोफेसर साहब कई डाल के रिसर्च के हुए ले रहे हैं कागज, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, कुछ चीज़ें तमने अगले पार्ट में देखने मिलेंगी। और इस भाग में भी तमने बहुत सारी चीज़ प्रोफेसर साहब ने बताई। प्रोफेसर साहब कोई खास बात रहेगी हो तो दर्शकाती तोड़े से बता दो। खास बात ये है भाई कि जो किसान को लोग बदनाम करते हैं, किसान का तो इसमें 10% रोला है इस पर्यावरण प्रदूषण में। जब दिवाली आती है ना, जितने उद्योग धंधे हैं या ये अपने फैक्ट्रियों वाले हैं, सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं और दिवाली को बदनाम करने के लिए ये भी सवा कर देते हैं। बिल्कुल, यानी और 90% लोग और हैं किसान। साथ ही साथ पहले ये शोध में पाया गया कि हरियाणा में 2011 में जो वाहन थे उसका लगभग 2 गुना अब हरियाणा में हो चुके हैं। और ये भी पाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 150 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक कूड़ा या पॉलीथीन या कचरा रोजाना फेंकता है, तो उसमें लगभग 200 से 300 लाख टन जो है प्रति वर्ष कूड़ा हरियाणा में होता है, और उसको जलाएंगे तो कितना वायु प्रदूषित होगी ये आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। गैस चैम्बर हम ही बना रहे हैं अपने विकास की आड़ में विनाश करके। लेकिन प्रोफेसर साहब, इसमें सरकार भी तो दोषी है। मान ली ऑर्गेनिक खेती की बात करें या पर्यावरण से रिलेटेड अगर आप बात करें तो उसके ऊपर जागरूकता अभियान नहीं चला रही, ना किसान को जागरूक कर रही। किसान को जो है ना जगह जगह कितने लठ मारे जावे, कितने DAP के लिए यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइन, किसान परेशान है भाई। कुछ सरकार की गलत नीतियों के कारण कुछ हद तक अपने किसान भाई भी जिम्मेवार हैं। जैसे मैं भी कई बार जाता आता हूँ, समझाता हूँ भाई आप इस प्राकृतिक विधि से खेती करिए, ये डालिए वो डालिए, नीम से दवाई बनाइए, आप मिर्च है या रसोई का कूड़ा कचरा है उसको गलाइए, छिड़ाइए, कंडेंस करिए, उसे दवाई बनेंगे, उसका प्रयोग करिए, करना नहीं चाहते। दूसरा, सरकार ने भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए जैसे हमारे कॉलेज की लैब है उसको भी चुना हुआ है। अच्छा। वहाँ पर 100 सैंपल गांव से आएंगे, उनको चुनेंगे और उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाएगा। और आपके जींद के अंदर जो पानी पहले रिसर्च की थी पानी की, तो सरकार ने वहाँ पर भी प्रत्येक गांव के पानी के टेस्टिंग के लिए वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध करवा दी ताकि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण के लिए सबसे बढ़िया जो है यज्ञ हवन तो करना ही चाहिए, साथ में यज्ञ हवन वो जो प्राकृतिक होता रहेगा, बड़ पीपल नीम के पेड़ पहले बहुत ज्यादा करते हैं, यज्ञ हवन है प्राकृतिक यज्ञ हवन है, उसको हमने लगाना बंद कर दिया। पीपल को तो कहते हैं कि पीपल गाइड दिया, जो कि 24 घंटे शुद्ध हवा देता है। बड़ जो राजा है उसको लोग कहते हैं भाई तुम्हारे खर गाइड दिया, और यो कारण है कि इनकी पूजा भी करी जावे है। देखो दोनों डाल के विचारधारा है, पूजा का अर्थ यह था योग्य उपकार लेना। नीम के अंदर जब इस पे कोर आता है, बोर आता है, तो इसमें से ऐसे अल्कलाइड निकलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट हैं, उनको वो ऑक्सीडेंट उनको निकाल करके एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और जब कोरोना काल आया तो उस समय लोगों ने बचाव के लिए नीम के पत्तों का अर्क निकाल करके या उसकी भाप लेकर के जो फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन था उसको दूर करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। और जो पीपल के पत्ते हैं या बड़ के पत्ते हैं या इनसे निकलने वाली औषधियाँ हैं, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी या रोगरोधी पावर को बढ़ाते हैं, और रोगरोधी बढ़ाते साथ में मन आत्मा और शरीर को पवित्र करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, आहार शुद्ध तो व्यवहार शुद्ध, अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध। आज हमारी हवा खराब, पानी खराब, भूमि खराब,
तो जब जैसा जहरीला अन्न खाएंगे तो जहरीले भाव विचार संस्कार होंगे, समाज में विकृति फैलेगी। तो सदाचार के लिए आप शुद्ध आहार के लिए प्रकृति के साथ जुड़ें और ऋषि मुनियों की परंपराओं को का अनुपालन करें। यह है भाई प्रोफेसर जयपाल जिन ने की रिसर्च करी और बताया अपनी रिसर्च में भाई यही है चीज़ हैं। और तो हमने बता दी भाई आकाशवाणी पर भी कई बार इनके प्रोग्राम तो हमने सुनने मिले हैं और आगे भी सुनने मिलेंगे, बड़े बड़े चैनल के ऊपर जो है इनके प्रोग्राम और इनकी रिसर्च के बारे में बातचीत करी जावे है। तो भाई इस वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो कि प्रोफेसर साहब की जो बात है उन तथा हम कितना सहमत हो। जी ला के वीडियो ने शेयर कर दियो, शेयरिंग का तार दियो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर और समस्या उसके दूर। ठोको शेर, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय भारत जय विज्ञान जय विज्ञान।